Assalamu alaikum. Today we will discuss treaties. Treaties is perhaps one of the most important portion of public international law course. And there are several reasons for that. Whenever we talk about public international law, we generally refer to treaties and conventions. And these conventions and treaties become the paramount source of international law. Although if you recall, in the discussion relating to sources of international law we did mention there are several other sources like customs for example like principles of natural law and justice like uh, working of international organizations and so on and so forth but truly it is treaty and the convention which serve as the most important source of international law मोस्ट प्रिसाइस एंड मोस्ट डेफिनेट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और उसकी बहुत सी वजूहत भी हैं उसकी वजूहत ये हैं क्योंकि ट्रीटीज जो हैं वो मुल्कों के मा बहन कॉन्सेंट की एक सबूत का दर्जा रखती हैं कि मुख्तफ ममालिकगरी करके कंसीड कर दी अपनी सॉवरनिटी का कुछ पोर्शन ट्रीटी के तवसत से डेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सरकमस्टांस

तो चाहे वो मुल्क छोटा हो चाहे उसकी आबादी जो है वो लाहौर की आबादी से कम हो मगर उसकी सावरनटी पाकिस्तान की सॉवरनिटी जितनी तस्वर की जाएगी आलमी सतह पर मुल्क खा कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो और मुल्क चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो एक्डेमिकली दोनों की सावरनटी बराबर है उनके सावरन रिट्स बराबर हैं तो ये स्टेट का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है उस एट्रीब्यूट को स्टेट पार्ट विद करती है उसको गिव अप करती है थ्रू अ ट्रीटी मैके जब वो करती है या कोई कन्वेंशन साइन करती है तो वो उस कन्वेंशन के स्कोप की हद तक या उस ट्रीटी के स्कोप की हद तक अपनी सॉवरिटी को यील्ड कर देती है उसे गिव अप कर देती है ये एक बहुत बड़ी पेश कह लें एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट होता है इन द लाइफ ऑफ अ स्टेट इट एक्सिक्यूट अ ट्रीटी डॉक्यूमेंट इट एक्सीक्यूट अ कन्वेंशन उसको साइन करती है या उसको रेटिफाई करती है आई कम टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेटिफिकेशन सिग्नेचर लेटर ऑन बट द रीजन आई एम एम्फोसाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रीटीज एज अ स्टैंड अलोन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ

कोई टाइम फ्रेम नहीं होता सो इनडेफिनेट पीरियड तक वो ट्रीटी जो है आपके मुल्क पर बाइंडिंग कहलाती है इसलिए ट्रीटी जो है और जब ये मुल्क कोई फैसला करता है कि उसने ट्रीटी साइन करनी है तो ये फ़र्ज़ किया जाता है कि उस मुल्क ने बड़े गौर से और बड़े प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद इस नतीजे में पहुँचा होगा कि हमें इस ट्विटी के साथ बाइंड होना है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रेटिफिकेसन या through a process of signature। तो लिहाजा वो ट्विटी का जो टेक्सट है जब आप उसको उठाते हैं तो वो उस स्टेट के कंसेंट टू गिव अप इट सॉवरिटी के सबूत के तौर पे भी आपके सामने होता है कि अगर किसी स्टेट ने ये माहिदा किया है कि वो अपने मुल्क से किसी और स्टेट के लोगों को गुजरने देगी ट्रांजिट राइट देगी तो उसने गोया ये माहिदा हमेशा हमेशा के लिए कर लिया और ये माहिदा बड़े सोच समझ के किया अब ये ट्रांज़िट राइट्स का देना जो है ये एक बहुत अहम सरकमस्टांस बन गया है इसका सियासी इम्पैक्ट है लीगल इम्पैक्ट है और बाकी सोशल इम्पैक्ट है वगैरह वगैरह सो so, अगर आपने ट्रांज़िट राइट पर देखना है कि क्या हुआ है तो आप इस तरह की किसी ट्विटी को उठा के देखेंगे और उसको देख के कहेंगे कि यह है कि कैसे स्टेट ने अपनी सॉवरनिटी अपने हाथ से गिव अप की बाय एक्सिक्यूटिंग दिस ट्विटी लिहाजा ट्रीटी न सिर्फ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाती है बल्कि स्टेट के बिहाफ पर उसकी सॉवरन पोजीशन को गिवअप करने का एक सबूत भी बन जाती है इसलिए उसको समझना उसकी तफासिल में जाना उसकी इंटरप्रटेशन के असूलों से आगही हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटी को समझना की ट्रिटी बजाते ख़ुद एक लीगल डॉक्यूमेंट क्या है उसकी नौयत क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली जब मुल्कों पर सियासी प्रेशर आता है तो उनको ट्रीटी का हवाला दिया जाता है कि आपने फ़लानी ट्रीटी साइन की थी उसमें यह था लिहाजा आप वो नहीं करें तो अब आप यूं कीजिए या आपने फ़लानी ट्रीटी फ़लाने वक्त में साइन की थी उसका ये इम्पेक्ट था अब आप यूं कीजिए वगैरह वगैरह लिहाजा ट्रिटी के स्ट्रक्चर को समझना उससे वाबस्ता जो टेक्निकल इशूज़ हैं उनको अंडस्टैंड करना कि सच एज़ इशूज सच एज़ वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन सिग्नेचर and ratification what is the concept of accession when does treaty enter into force what is the concept of reservation and declaration with a treaty and what are the concepts associated with other uh, aspects of treaties that needs to be understood and in this lecture i intend to take you through most of these areas and concepts which are associated with treaties and the understanding of each one of them is extremely important so that you are able to understand the, the treaty power, the treaty relationship with that state and with the other organizations. Let me start by giving you a very broad idea of the treaty. A treaty could be a bilateral instrument between two states and a treaty could be a multilateral instrument between more than two states. The treaties that I will talk about are, are दफ मल्टीचुरल ट्विटीज बट बायोचुरपलैचुर एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर कस्टम्स पाकिस्तान एंड मेंबर कस्टम अफगानिस्तान टू फेसिलिटेट ट्रांसिट ट्रेड अब इसमें कोई और स्टेट शामिल नहीं है ये स्टेट के एक ऑथराइज्ड रेप्रजेंटेटिव का किसी दूसरी स्टेट के एक ऑथराइज्ड रेप्रजेंटेटिव के दरमियान एक माहिदा है और उस माहे के रूप से एक टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट रिलेशनशिप रेगुलेट हो रहा है सो ये माहिदा भी ट्रीटी का दर्जा रखता है मगर उसकी नेचर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इमीडियट है सो वो معاہدے وہ ہیں جو स्टेट्स کسی اور स्टेट کے ساتھ बराह راست کرتی ہیں अमूमन اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں अगर वह सफारती सतह पर ना हो अगर वह प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की सतह पर ना हो तो वह फ़ौन नाफिजलमल होते हैं जिनका कैरेक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का होता है मगर हम जिस पस मंजर में बात कर रहे हैं वो है मल्टी लेटरल ट्रिटीज यानी दो से जायद ममालिक दरमिया एक ट्रिटी जन्म लेती है इस ट्रिटी के ख़दोख़ाल क्या हैं यानी अगर आपने कहीं से ट्रिटी नाम का कोई प्रचा उठाना है और कहना है कि यह ट्रिटी है तो मैं अगर आप मुझसे पूछें ट्रीटी होती क्या है क्योंकि लोगों के जहनों में ये भी एक इभाम है कि ट्रीटी को बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है या बहुत तवील डॉक्यूमेंट होता है या बहुत गंभीर डॉक्यूमेंट होता है आम आदमी को उस तक रसाई नहीं है या अगर रसाई है तो आम आदमी के फैम से बाहर है उसकी सोच से बाहर है कि ट्रिटी है और इसलिए इसको हाथ नहीं लगाना इसको समझने की ज़रूरत महसूस नहीं करनी ये एक्सपर्ट्स लोगों का काम है और ये सिर्फ उन्हीं तक محدود होना चाहिए ये ये जो शुभाजात हैं ये या ये डाउट्स जो हैं दे आर इनकरेक्ट अ ट्रिटी इज इन प्रिंसिपल पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज एक्सेसबल बा मेम्बर ऑफ द स्टेट इन प्रिंसिपल फॉर द सिंपल रीजन दैट अ ट्रिटी बाइंडविजल विद इन द स्टेट स्टेट ने ट्विटी की उस ट्रिटी ने स्टेट को बाइंड किया उस स्टेट में मैं एक स्टेट का सिटीजन सब्जेक्ट हूँ मैं भी उससे बाउंड हो गया मेरा हक है कि मैं उस कंटेंट देख के कंटेंट्स को देखकर देखूं कि मुझे कैसे बाइंड किया गया दूसरा ट्रीटी जो है वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट नहीं है उसको पढ़ा जा सकता है उसे अज खुद समझा जा सकता है और उसको खुद एनालाइज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए जो लोग भी इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोई काम कर रहे हैं फॉरन पॉलिसी पर कोई काम कर रहे हैं या Uh, किसी भी इससे uh, मुंसलिक ग्लोबल इशू पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद लाजिम है कि वो जिस मामले की बाबत लिख रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं उस मामले के हवाले से जो ट्रीटी टी है उसको उठाकर बतौर मु, उसका मुआना करें उसका मुता करें।, करें और ख़ुद अपने नतीजे उसमें से अखज़ करें अब अगर कोई साहब जानना चाहते हैं कि ट्री के शेप एंड फॉर्म क्या है ट्री के जर्नली ये कोई मुस्ल रसूल नहीं है एक जनरल असमेंट है कि ट्रीटीज के क्या क्या हिस्से होते हैं ट्रीटी में एक प्रीएम्बल होता है यानी ट्रीटी का नुकता आगाज जो ट्रीटी जिन्होंने साइन की होती है वो पहले एक डिस्कशन करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं हमारे जहन में क्या मंजर है हमें क्यों जरूरत महसूस हुई सो so, उस जरूरत का अदा इट इज बेसिकली अस्टिफिकेशन ऑफ फॉर एंट्रिंग टू अ ट्रिटी गिविंग दब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिटी

सब्सटैंडिव uh, प्रोविजन्स को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर आ जाता है फिर डिस्प्यूट रिजोल्विंग प्रोविजन कि अगर कोई उस ट्रिटी के फोर कॉर्नर्स के अंदर किसी को स्टेट को डिस्प्यूट है या कोई और डिस्प्यूट है उसके लिए कोई फोरम पॉसिबली अवेलेबल हो सकता है और आखिर में प्रोसीजरल प्रोविजन ऑफ द ट्रिटी ऊपर प्रोसीजर था ऑफ द सब्सटेंटिजन्स सो प्रियम्बल आ गया जो जस्टिफिकेशन देता है प्रियम्बल के बाद सब्सटैटिव प्रोविजंस आ गई जो बुनियाद फरहाम करती हैं कि ट्रीटी क्या चाह रही है सो so, कोई ट्रीटी अपनी सब्सटैंडव प्रोविजन में डायरेक्टली वो वो बहुत ज्यादा अक्सर नहीं होती और उसमें ट्रीटी जो है वो कहीं अपने प्रियम्बल तक महदूद होती है प्रियम्बल की बात करती है उसके बाद फिर वह सब्सटैंटिव प्रोविजन की बात करती है वो प्रोविजन्स बहुत ज़्यादा नहीं होती वो स्टेट को कहती है आप ये करेंगे आप ये नहीं करेंगे या जो लोग इसको रेटिफाई करेंगे उन पर यह पाबंदी आयद है या उन पर वो कमिट करते हैं कि वो ये ऑब्लिगेशन लेते हैं इसी तरह कोई ट्विटी जो है उसके बाद प्रोसीजर आ जाता है कि प्रोसीजर में उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी और वो आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे जो आपने ऊपर एग्री किया सबस्टैंड प्रोविजन में और उसका मैकेजम क्या है हो सकता है प्रोसीज प्रोविजन के अंदर कोई इदारा भी वो कायम कर दे ट्रीटी और कहे कि जो सब्सटैंडिव प्रोविजंस हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए उनकी मॉनिटरिंग के लिए इदारा है हो सकता है वो इदारा कायम ना हो सो so, ये दोनों मुख्तु ट्रीटीज में मुख्तु अप्रोचेज हैं कहीं में इदारे होते हैं कहीं में इारे नहीं होते लेकिन सब्सटैंटिव प्रोविजन डेफिनेटली होती हैं उसके अलावा फिर जुडिशल मैकेजमें डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है कि अगर ट्विटी के हवाले से किसी मुल्क को कोई शिकायत है दूसरे मुल्क से या ट्रीटी की इंटरप्रटेशन पर उसको कुछ कन्फ्यूजन है या उसकी स्टेट प्रैक्टिस जो है इट इज़ नॉट इन कंफॉर्मेटिव ट्रीटी प्रोविजंस एंड अदर कंट्री हैज़ ए कंप्लेंट देन यू हैव अकेनिज्म टू अप्रोच सो वो मैकेनिज्म बास ट्रीटीज में बनाया जाता है और आखिर में जो है वो इसी तरह प्रोसीजल प्रोविजन uh, आ जाती हैं और प्रोसीजल प्रोविजन्स जो ट्रीटी की हैं उनमें आ जाती हैं प्रोविजन कि ये एंटर इन फोर्स कब होगी इसमें कितनी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई करना है इसकी अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है और कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी जिन्हें आप यूं कह लीजिए स्पॉन्सर्स ऑफ द ट्रीटी वो दोबारा कब मिल सकते हैं कि इस ट्रीटी को रिव्यू करें या ना करें वगैरह वगैरह ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो ट्रीटीज़ का होता है मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन आप इसके पेश नज़र किसी भी ट्रिटी को उस हवाले से देख सकते हैं मेरे हाथ में नॉन प्रलीफरेशन ट्रिटी है अब ये वो ट्रिटी है जिसका जिक्र आपने नॉर्थ कोरिया के हवाले से सुना विद्रॉल नोटिस उसमें एक प्रोविजन है कि आप विद्रॉ कर सकते हैं ईरान के हवाले से नॉन प्रलीफ्रेशन ट्रिटी का बहुत जिक्र आता है ये उस जमाने की ट्रिटी है जब ट्रीटीज में इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म का मोड बहुत महदूद हुआ करता था मगर फिर भी जो हमने फीचर्स गिनवाए हैं ट्रीटी के वो इसमें हमें मौजूद नजर आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो आर्टिकल वन है और आर्टिकल वन और टू वो सब्सटेंटिव आर्टिकल हैं जो ये ड्यूटी आयद करते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो किसी और को अपनी टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं करेंगी या ये उसका आर्टिकल वन है आर्टिकल टू ये है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी सो so, ये सबस्टेंटिव प्रोविजन आ अब इसके बाद आगे प्रोसीजर प्रोविजन कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया कि जो इसको रेटिफाई करेंगे ममालिक वो आई यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एक सेपरेट महिदे करेंगे जिनका नाम होगा सेफ गार्ड अग्रीमेंट और वो सेफ गार्ड जो है इस ट्रीटी के अब्लिगेशन को इंप्लीमेंट करेंगे ये एक ब्रॉड सा अरेंजमेंट आर्टिकल 3 में आ गया सो आर्टिकल 1 एंड 2 सबेंटिव आर्टिकल हो गए आर्टिकल थ्री जो है एनपीटी का वो प्रोसीजरल प्रोविजन हो गया कि जो सब्सटेंटिव आर्टिकल की इंप्लीमेंटेशन को देखेगा और इसी तरह अगर आपकी कोई इश्यूज हैं जो एप्रोप्रिएट मेजर्स के हैं तो वो फिर उसी प्रोसीजरल साइड पे आ जाएंगे प्रोसीजरल प्रोविजन यहां पे तबील आ जाती हैं जो रिगार्डिंग जुडिशल सेटलमेंट की इसमें कोई गुंजाइश नहीं दी टी के स्पॉन्सर्स ने सो so, ये एक एलिमेंट है जो इसमें मिसिंग है मगर जो अगला एलिमेंट हमने आखिरी एलिमेंट का जिक्र किया कि ट्रीटी को सेल्फ रेगुलेट करने की प्रोविज़न जो हैं वो कहाँ हैं वो मौजूद हैं कि इसकी अमेंडमेंट्स कैसे होंगी अमेंडमेंट्स उसके बाद फिर हर पाँच साल के बाद ट्रीटी में जिन कंट्रीज ने रेटिफाई किया है वो एक डिस्कशन के तौर पर जमा होंगी और एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगी जिसको रिव्यू कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा वो इस ट्रि को रिव्यू करेंगी और वो रिव्यू कॉन्फ्रेंस बार बार होती है और इसी तरह कि ये ट्रीटी जो है इससे विद्रॉल का तरीका क्या है इसकी प्रोसीजरल प्रोविजन है सो इस तरह आपने देखा कि एक ट्रीटी जो है जो इसके जो एक बड़ी वेल नोन ट्रीटी है उसमें तकरीबन ये तमाम अज़ा जो किसी ट्रीटी में शामिल होने चाहिए मौजूद हैं यही अज्जा या यही एलिमेंट्स और यही फीचर्स बाकी ट्विटीज में भी आपको नजर आते हैं सो वेन यू आर लुकिंग एट दी ट्रिटी इट इट डिपेंड्स वट इज योर एंगल टूवर्ड्स इट If you are studying it with reference to how it binds the states, then you should straight away go to substantive provisions. If you are looking at what is the background of this treaty, why this treaty was entered into between the parties, go straight to the preamble. If you want to see how this treaty is implemented, what is the mechanism, where can eventually parties file a complaint against each other, go to procedural provisions. And if you want to know, and if your country is perhaps in the process of ratifying the treaty, it is at a very initial stage, you want to know how many countries are required, what is the procedure, then you go to the procedural portion of the treaty itself. that is how you learn to read the treaty. and this, this approach is followed by and large in all the treaties. but as i said, it is a perfect possibility that a element may be missing, but generally this is the framework of the treaties adopted at a multilateral level. now i would come to another part of my presentation. And this would be regarding the issue of the confusion regarding the names of the treaty. I'll first change the slide and then I'll show you a cartoon to explain how that makes a difference. This will be a topic which will be of interest to anyone who wants to know more about the treaties. People do get confused when they hear various names of the treaties. आपने मुझे भी सुना होगा इस लेक्चर के दौरान मैंने कहीं ट्विटी कहा कहीं कन्वेंशन कहा तो लोग ये बाज़ा पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है ये नाम क्या क्या हैं मैं आपको चार्ट पर बना के दिखाना चाहता हूँ कि ये वो नाम जो एक आम आदमी के जहन में या इवन शायद एक ख़ास आदमी के जहन में भी एक जेनवन कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो नाम कौन कौन से हैं वो नाम हैं कन्वेंशन टी टी अब यह वो नाम है जो मुख्तलिफ्रीटी के हवाले से इस्तेमाल होते हैं प्रोटोकॉल एग्रीमेंट डेक्लेशन जब कोई इन नामों को सुनता है तो वो सवाल उसके जहन में पैदा होता है कि ये क्या डिफरेंस है और वो जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है जैसे ये कार्टून कन्फ्यूज़ है ये जो कन्फ्यूज़न है जो इस कार्टून को यहाँ है वो कई लोगों को हो जाती है कि जी किसी को आप ट्विटी को कन्वेंशन कह रहे थे किसी को आपने ट्विटी ही कहा किसी को आपने एग्रीमेंट कह दिया कहीं आपने कहा कि जी ये ट्रीटी जो है शिमला एग्रीमेंट है कहीं आपने कहा कि ये ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन हुई थी इट इज़ ताशकंद डेक्लेशन कहीं आपने कहा कि इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ 1979 रिलेटिंग टू जिनीवा कन्वेन्शन किसी को आपने अभी अपनी गुफ्तू में कन्वेंशन कह दिया किसी को आपने ट्विटी कह दिया या कोई और भी नाम आपने इस्तेमाल कर दिया एकॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो ये क्यों डिस्टिंक्शन क्या है इन सब में क्या ये सब ट्विटीज हैं या ये ट्विटीज नहीं है ये कंफ्यूजन जो है ये कन्फ्यूजन एक, 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 एक जो है ये लीगली करेक्ट नहीं है कैसे लीगली नॉर्मन क्लेचर हैज नो बेयरिंग ऑन द लीगल कैरेक्टर ऑफ अ ट्विटी यू मे इवन कॉल इट एन एम ओ यू फॉर एग्जाम्पल बट इट विल रिमेन अ ट्विटी

वो ही कहता है कि ट्रिटी को चाहे किसी भी नाम से पुकारें वो ट्रिटी ही कहलाएगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एज लॉन्ग एज वो एक महिदा है या महाहे का दर्जा रखता है इवन एक्सचेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हैज ए ट्रिटी रिलेशनशिप यह आपको सुनकर और हैरत हुई होगी कि अगर आप खतूत का तबादला करते हैं दो ममालिक के दरमियान तो एक ट्रीटी का रिलेशनशिप इवॉल्व हो जाता है तो वियाना कन्वेंशन में उसको भी रिकिग्नाइज किया जाता है यह तकरीबन उस तरह की बात है जिस तरह लोकल लेवल पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लिखा हुआ करें हो सकता है खतूत के तबादले के तौर पे करें लेकिन अगर एक पार्टी ने ऑफ़र किया दूसरी ने एक्सेप्ट कर लिए दूसरे अपने खत में तो कॉन्ट्रैक्ट तस्वूर हो जाएगा इसी तरह आलमी सतह पर अगर सिफार्टी लेवल पर देर इज एन एक्सचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कंट्रीज इट कैन हैव अ स्टेटस ट्विटी ऑब्लिगेशन देअ द नॉमन हैज़ नो बेयरिंग ऑन द लीगल कैरेक्टर ऑफ अ ट्विटी The nomenclature has no bearing on the interpretation of a treaty. It will be interpreted based on what the document says. So then, why the name? Why do we call a treaty a convention on law of the sea? Or covenant, I mana covenant on civil and political rights, or Geneva Accord? Why this distinction? Iski legal wajatu ko ining hai. Like in iski siasi wajajah hai. Iska ek sapna background ho sakta Or yya. ये जो ट्विटी है इसका नाम उसकी बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है अगर किसी ट्विटी को आप शिमला एग्रीमेंट कहते हैं तो वह शायद आप इसलिए कहते हैं कि दोनों मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सबसे आला सतह पर उन्होंने बैठ कर स्पॉन्टेनियसली एग्री किया कि दिस इज़ द वे वी शुड गो फॉवर्ड इन अ सर्टन एरिया आपने उसको एग्रीमेंट कह दिया किसी मौके पर यह मुनासिब नहीं था सियासी तौर पर कि आप एग्रीमेंट एग्री करें या उसको पब्लिकली एडमिट करें तो आपने उसको ताशकंद डेक्लेशन कह दिया बट टेक्निकली इट रिमें ट्विटी इसी तरह हो सकता है कि बेशुमार दो से जायद ऐसे एग्रीमेंट्स किए या गारंटीज़ हुई जब जिनीवा अकॉर्ड हुआ था सोवियत यून वि कर रहा था तो जो अकॉर्ड के नाम से ट्रीटी हुई वो बेशुमार ट्विटीज और यूनिट्रल डलेशन का मजमुआ थी सो so, उसको भी हम ट्विटी कहते हैं लॉ इज कंसर्न इवन फॉर देट मैटर

उसमें लाई जाती है कई सालों के बाद आपने उसको अपडेट करना है मामला आगे चले गए हैं हालात चेंज हो गए हैं फैक्ट्स चेंज हो गए हैं या नए चैलेंजेस आ गए हैं अब आपने ट्रीटी को हम आहंग करना है विद द न्यू इश्यूज विद द न्यू चैलेंजेस सो तो इट कैन रिस्पॉन्ड यू वांट टू अमेंड द ट्रीटी अब ट्रीटी की अमेंडमेंट का प्रोसीजर ओरिजिनल कन्वेंशन में लिखा हुआ है जब आप उसको अमेंड करते हैं तो वो एक और ट्रिटी बन जाती है अगर चाहे आपने उसकी एक शिक अमेंड करनी है वो बन जाएगी अमेंडिंग प्रोटोकॉल या आपने उस ट्रीटी में कोई नई चीजें लानी हैं तो वो आ जाएगा प्रोटोकॉल टू सच एंड सच ट्रीटी सो तो अगर जिनीवा कन्वेशन जो चार जिनीवा कन्वेशन थे 1949 में वो बने वो मुख्तलफ चीजों का कवर करते थे उनके स्कोप को कवर करते थे बट फिर ये फील हुआ कि ये कई चीज़ों को ओवर लोक कर रहे हैं तो फिर उन चीज़ों को कवर करने के लिए प्रोटोकॉल लाए गए एडिशनल प्रोटोकॉल उनको कहा जाता है एडिशनल प्रोटोकॉल टू जिनीवा कन्वेशन इसी तरह सीटीबीटी के साथ जो प्रोटोकॉल है वो एक स्टैंड लोन ट्रिटी है आपको याद होगा सीटीबीटी की जब डिबेट पाकिस्तान में चल रही थी तो ये डिस्कशन हुई थी कि डॉक्यूमेंट क्या है एक तो ट्रीटी है सीटीबीटी थी उसके साथ एक प्रोटोकॉल है जिसमें उसके टेक्निकल तफासल है प्रोटोकॉल के सेपरेटली रेटिफाई करना जरूरी है बिकॉज वो एक्सप्लेटरी टेक्सट था सो प्रोटोकॉल ट्री एग्रीमेंट एम ओ ये तमाम अलफ स के अलफें सोशल बैकग्राउंड केफाजें या उस सिचुएशन को किसी हद तक रिप्रजेंट करते हैं जो प्रोसीड की बिफोर दिस डॉक्यूमेंट वॉज साइन अगर कन्वेंशन है तो यह फर्ज कर लेना महफूज होगा कि इससे पहले बेशुमारेशंस कन्वीन हुए बिफोर दिस कन्वेब्रेशन सेटेड

कॉन्फ्रेंस कन्वीन हुई होगी और फिर ये ट्रीटी बनी है ट्रीटी जब बनती है तो उसमें एक और एलिमेंट शामिल हो जाता है ट्रीटी का स्पॉन्सर कौन है वो फिर ट्रीटी की नेगोशिएशंस के असूल की को डिटरमिन करता है मसला अगर ट्रीटी एक रीजनल ट्रीटी है या सार्क ने सार्क ममालिक ने मुल्क कहा कि हम एक सार्क बनाते हैं साउथ एशियन रीजनल चार्टर बनाते हैं और हम ये जो है खटमंडू में इसका हेड ऑफिस होगा और इसका काम ये होगा कि सात ममालिक दरमियान फिल्मों का तबादला करें और ट्रेड का तबादला करें और वगैरह वगैरह एक दूसरे को फिज़ा की कन्वीनस थे सो सो सफल अब जब ये डिसाइड किया किसी भी दो चार मुल्कों ने पाकिस्तान ने इंडिया ने नेपाल ने श्रीलंका ने, ने तो वो कहीं मिल बैठे इस्लामाबाद میں शायद वह اجلاس हुआ होगा शुरू में या न्यू डेली में हुआ होगा या खटमंडू में हुआ होगा उस इजलास में मुल्कों ने आपस में बैठ कर डिस्कशन कर ली और एक ड्राफ्ट बनाया उसको दोबारा इजलास में रिव्यू करके उसको फाइन लगाइए अब सार्क चार्टर के तौर पर सामने आ गया यानि इन पाँच मुल्कों ने या पांच छः मुल्कों ने जो इस सार्क रीजन से ताल्लुक रखते थे इन्होंने अपने ट्रिटी की नगोसिएशन के असूल खुद वजह किए दे डिटर्मिन द रूल्स ऑफ नगोसिएशन दैम सेल्व अगेन थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट म्यूचुअल कंसेंट एंड बेस्ड ऑन डेट दे फॉलो दिट

और ये असम्बली नेगोशिएट करे कन्वेंशन ऑन ऑन ट्रांस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे आप टीओसी कन्वेंशन कहते हैं और हम ये मैंडेट देते हैं कि ये कन्वेंशन जो है नेगोशिएट होगा एज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द यूएन जनरल असम्बली सो अब यूएन जनरल असेम्बली जो है वो या सेक्रेटेरियल सर्विसज मुहैया करेगी और उसकी निगोशिएशन के रूल वाजे करेगी या अगर यू एन ओ किसी जनरल असम्बली किसी अदारे को ये इख्तियार देती है कि भाई तुम इसका इंतज़ामी अमूर संभालो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को हैंडल करो मुल्कों को इन्विटेशन भेजो कॉन्फ्रेंस हॉल का बंदोबस्त करो डॉक्यूमेंटेशन करो इंटरप्रटर्स लाओ तो ये अब वो इदारा करेगा सो तो अगर यूनाइट नैशन की जनरल असम्बली ने ये इंतज़ाम तकवीज़ कर दिए यूनाइट नैशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को यू एन ओ डी सी को तो फिर यू एन ओ डी सी जो वियाना में बेस्ड है वो अब इन्विटेशन इशू करेगा और कहेगा कि ये हमें यूएन एन जनरल असम्बली ने कहा है कि हम इस को बनाएं लिहाजा हम तमाम मुल्कों को इनविटेशंस भेजे ये प्रोसीजर्स है और वो उसके सारे इंतज़ामी अमूर वो तय करेंगे दैट इज़ हाउ ट्रीटीज़ आर मेड एंड दे आर हैंडल्ड बाय वेरियस स्पॉन्सर्स और वेरियस एंटीटीज़ हुव सम रेलिवेंस इन दैट एरिया हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटेल फंक्शन इन रिलेशन टू दो ट्रिटीज़ एंड अदर इशूज़ दिस इज सो फार रिगार्डिंग द इशू ऑफ ट्रीटीज हाउ वी हाउ दे आर निगोशियटेड एंड इफ देर इज डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशन और ट्रीटी एंड सो ऑन स फोर्थ आई विल नाउ लाइक टू टेक यू टू द नेक्स्ट पोर्शन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस प्रजेंटेशन रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा इशू है आप सुनते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रीटी को साइन कर दिया या फलानी ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया इसमें क्या फर्क है कि साइन आप करते हैं फिर आप रेटिफाई करते हैं क्या रेटिफाई करना जरूरी है या साइन करना काफी है और दोनों में फर्क क्या है और एक और चीज जो सामने आती है वो है कि किस स्टेज पे मुल्क एक्सीड करता है टूअर्ड ट्विटी जनरली लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती सिग्नेचर से मुराद वो स्टेज है जब एक स्टेट किसी भी ट्रीटी को साइन करती है मेरी यहां मुराद मल्टीलैटरल ट्रीटी है तो साइन करने के वक्त उसका मौकाफ ये होता है कि वो इस बात का अदा कर रही है इस बात को सोचने पर एग्री कर रही है कि इट विल कंसीडर बीइंग बाउंड बाय इट लेटर ऑन थ्रू रेटिफिकेशन सो सिग्नेचर मेरली इज अ पीरियड वे बाय द स्टेट मेक्स अ कमिटमेंट टू एन इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इट विल कंसिडर टू बी बाउंड बाय दिटी सो वो कंसिड्रेशन का टाइम ले रही है सोच विचार का टाइम ले रही है अंडरस्टैंड करने का कर टाइम ले रही है सो so, गोया जब ट्रिटी जो हमने डिस्कस किया किसी भी इदारे के सपोर्ट से या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन से बन जाती है चाहे वो यू एन जनरल असम्बली की अडाक कमेटी हो चाहे वो अदारा यूनाइटेड नेशंस यू एन ओ हो चाहे वो अदारा आई हो चाहे वो अदारा सिक्स्थ कमेटी ऑफ यूनाइटेड नैशन जनरल असम्बली जो स्पेशलाइज्ड कमेटी है जिसका काम ये है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीम लाइन करना कोई भी इारा हो अब वो ट्रिटी बन गई ट्रिटी बनने के बाद अब मुल्कों ने साइन करना है सो एक उसकी ओपनिंग सैरमनी होती है यूँ आप कहिए जिस तरह आप केक काटते हो कहते हैं जी ट्रीटी अब मौजूद है यह मंजर आम पर आ गई है सो ये उसकी तकरीब रनुमाई हो जाती है इस तकरीब रनुमाई ऑफ ट्रीटी में कुछ मुल्क एज अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ देयर कमिटमेंट टू अ ट्रीटी उसको साइन करते हैं और साइन करने के बाद अब ट्रीटी को इंतजार है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज इसे साइन करें तो वह एंटर इंटू फोरस करें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज से मुराद ये है या एंटर इंटू फोर्स से मुराद ये है कि ट्रीटी ने हो सकता है कुछ इदारे भी कायम किए हों या इदारे ना भी कायम किए हों कुछ स्पेसिफ़िक प्रोविजन्स हों या कुछ स्पेसिफिक इकदाम करने हों अब ट्रीटी उस वक्त अब एंटर इनटू फोर्स नहीं होती जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स स्टेट्स उसको रेटिफाई ना कर लें जो मैंने आपको शुरू में दिखाया एन में या और ट्रीटीज का हवाला दिया जो आखिरी प्रोविजन्स होती हैं ट्री की उसमें लिखा होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स रिक्वायर्ड हैं टू मेक दिस ट्रीटी कम इनटू टू यानी अगर बाज़ 25 कंट्रीज़ का लिखा होता है बाज़ 20 का होता है बाज़ 60 का होता है सो तो ये उन लोगों पर मुनसर है जो ट्रीटीज़ को नगोशिएट कर रहे हैं या उन मुल्कों पर मुनसर है जिन्होंने उस ट्रीटी की नगोसिएशन और उसकी ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया होता है वो ये डिटर्मिन करते हैं कि हम चाहते हैं कि कम अज़ कम पच्चीस मुल्क इसको रेटिफाई करें तो फिर ये माहिदा मल्टी लेट्रल ट्विटी अलाइव तस्वूर हो जाएगी सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो ट्विटी थी जिसका नाम आम फहमे रोम स्टैचूट है उसको रेटिफाई करने के लिए भी एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था जब वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स ने उसको रेटिफाई किया उसके बाद वो ट्विटी आलमी वजूद में आई उसके बाद वो प्रोविजन जो थी वो जो कोर्ट था वो बना जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स उसको रेटिफाई नहीं करती वो ट्रीटी के इंतजामी अमूर वजूद में नहीं आ सकते उसकी एग्जैक्टिव ऑर्गन उसकी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और उसकी और प्रोविजंस जिन्होंने ऑपरेशन होना था वो इन्वोक नहीं हो सकती सो इसलिए एंट्री इनटू फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइल्ड इन द लाइफ ऑफ अ ट्रीटी विच लिटरली ब्रिंग्स इट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट It depends if you are a state and you sign a treaty before it enters into force or after it enters into force. If you sign a treaty before it enters into force, you have simply signed it. And if you ratify a treaty before it enters into force, you have ratified it. But if the treaty has entered into force and after that time you ratify the treaty, then you are said to have acceded to that treaty. accession ratification रेटिफिकेशन so, का डिफरेंस जो है वह टाइमिंग का है कि अगर ट्विटी की एंट्री इंटू फोर्स से पहले आपने रेटिफाई किया तो फिर गोया आपने ट्रीटी को रेटिफाई किया सिंपलिस्टा लेकिन अगर आपने ट्रीटी की एंट्री इंटू फोर्स के बाद उसको रेटिफाई किया तो देन यू हैव एक्सीडिड टू द ट्रिटी इन अ फॉर्मल सेंस बट बिफोर वी मूव ऑन फर्दर ऑन देश ऑफ रेटिफिकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है सिग्नेचर आपने कर दिए सिग्नेचर के बाद आपने उसको अब रेटिफाई करना है रेटिफाई करने का मंतक क्या है वो मंतक ये है या उसका रैशनल ये है कि आप स्टेट हैं आपने फॉर टाइम्स टू कम इस्टेट ने इस ट्रिटी से बाउंड होना है सो so, इस ट्रीटी को उन लोगों तक ले जाया जाए उस मुल्क के अंदर जो लोगों के नुमाइंदे हैं या लोगों को किसी न किसी तौर पर रिप्रजेंट करते हैं और वो वो वन्यू या वो जगह या वो फोरम या वो साहब उस ट्रिटी को रेटिफाई करें तो जब वो ट्रिटी को रेटिफाई कर देंगे तो नाव दैट स्टेट इज बाउंड बाई दैट ट्रिटी आइडिया अगेन ये है कि जो लोग मे बी असम्बली में आए हैं जो लोग कैबिनेट में हैं जो लोग किसी और हैसियत से मुल्क के लोगों के नुमाइंदे हैं वो उस ट्रिटी को एक नज़र देखें और अगर वो भी कहते हैं कि ठीक है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है दैन दे शुड भी देन दे शुड फील Persuaded to be bound by the treaty by agreeing for ratification. Signature, you have done. Signature. After the ratification is the Ratification is the matter, who will it? This is change in There is a difference between one country and another. Certain countries require the Senate, for example, to sign or ratify, ratify a treaty. Certain countries like Pakistan require. Uh, the cabinet to ratify a treaty. a country like us requires the senate. some countries require the larger house, maybe the house of commons or the lok sabha or some other entity uh, to ratify. it depends on the constitution or the provisions of the constitution of that specific country. so it will vary. Uh, in pakistan, uh, under the rules of business of 1973 constitution, it is the cabinet which ratifies a multilateral treaty. So in Pakistan, if you, uh, if Pakistan decides to sign a treaty, signature can be done by perhaps an official representative, but the decision for ratification is taken by the cabinet uh, of Pakistan. Well, this will bring us to another issue the issue of implementing legislation.

तो फिर आप उस ट्रीटी से मुतम कोई एक्टिविटी ना करें यानी कि एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि आपका मुल्क सोच रहा है कि इसको रेटिफाई करे कि ना करें, करें। इसलिए हमने साइन किए दूसरी तरफ आपका मुल्क उस ट्रीटी के बुनियादी ऑब्लिगेशन uh, से मुतम एक्टिविटीज भी कर रहा है सो so, एक व्यू यह है इंटरनेशनल लॉ में कि वंस यू साइन ए ट्रीटी यू मे नॉट बी बाउंड बाई इट बट सिंस यू आर कंसिडरिंग रेटिफिकेशन दे फॉर एज ए कंट्री you should refrain from any activity or any state practice which is inconsistent with the obligations of the treaty that you intend to ratify. having discussed about signature and ratification and accession uh, i hope i am able to clear myself on this there could be some exceptions to these rules and you will find those exceptions in the books the exception would be where in a natural person. The title to the territory of the state and the representation of the territory is combined, then perhaps no ratification is required. So, if there is a monarch or a sovereign, if there is no democracy and there is a Maharaja of, for example, Kashmir or there is a king of a certain country, then that king or that Maharaja claims the title of the territory. He claims the subjects to be that of his subjects and he also represents the states. So whenever he ratifies, signs a treaty, generally this moment of signature becomes the moment of ratification as well. So both activities combine. But as I said, this is a general exception and in each case you have to go into the constitution of that particular state to figure out what exactly is a legal authorization for this kind of ratification. I will move on to the next topic. The next topic in the context of treaties is the concept of reservation and declaration. This is a very important topic again. What is a reservation and what is a declaration? Reservation uh, generally means that you want to reserve an operation of a certain portion of a treaty, and declaration means you qualify an interpretation.

तो यू विल फाइंड उस ज़माने की ट्विटीज़ जो हैं वो चंद दफ़ात पर मबनी हैं अब जो ट्वीटीज़ आ रही हैं वो कभी कभी कई सौ प्रोविजन्स पर मबनी होती हैं उनके फिर एनेक्सचे होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसकी इतनी डिटेल्स होती हैं कि बेशमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर मुल्क को पसंद शायद ना आएँ या अब्लिगेशनस की रिक्वायरमेंट्स की नेचर ऐसी होती है वो सेल्फ़ रेगूलेटरी हो जाती हैं जिसको किसी और को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं बल्कि वो ट्रीटी अपने अंदर ही मैकेनिज़म प्रोवाइड करती है सो तो तस्वर कीजिए कि आपके पास 300 सौ की ट्रीटी है अब एक मुल्क कहता है कि जी मुझे ट्रीटी तो बड़ी पसंद है मगर इसमें से अगर आप सेक्शन या आर्टिकल नंबर 50 जो है उसको निकाल दें या मेरी हद तक उसका ऑपरेशन साखित कर दें उसके ऑपरेशन को फ्रीज कर दें तो मैं बाकी प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं बाकी ट्रीटी को रेटिफाई कर देता हूं मुझे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कहते हैं रिजर्वेशन दूसरा मुल्क कहता है कि हाँ मुझे भी ये 300 आर्टिकल्स वाली ट्रीटी मंजूर है या इसमें 250 हैं 100 हैं जो भी है मगर इसमें से आर्टिकल 30 अगर आप डिलीट कर दें तो मैं फिर इस ट्विटी को रेटिफाई कर लूंगा और मैं इससे एग्री कर जाऊंगा ये तो बात बड़ी माकूल सी लगती है अब इसका मैकेनिज्म जो है वो रेजर्वेशन है इसको कहते हैं रेजरवेशन लगाना कि आपने किसी ट्विटी में किसी प्रोविजन को महदूद कर दिया है या उसकी एप्लीकेशन को साखित कर दिया है अपनी हद तक और अब आप कहते हैं कि इसमें सेक्शन या आर्टिकल फिफ्टी निकाल दें बाकी इट इज एक्सेप्टी दिस इज अटैचिंग रिजर्वेशन इसको टेक्निकली इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं अटैचिंग ऑफ रेजरवेशन वायल रेटिफाइंग सच इन सच ट्विटी

डक्लेशन से मुराद हमारी वो प्रोविजन हैं जो आपको यूँ समझिए कि ये डिक्लेयर करवाती हैं कि इस ट्रीटी की या इस प्रोविज़न की इंटरप्रटेशन महदूद हद तक है या मेरी हद तक महदूद है मैं बाकी मुल्कों को नहीं जानता मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक या उस मुल्क की हद तक जिसका मैं नुमाइंदा हूँ इसकी इंटरप्रटेशन जो है उसको महदूद कर दिया जाए इसको कहते हैं डेक्लेशन अटैच करना डेक्लेशन का भी कानून तकरीबन वही है जो रेजरवेशन का है क्या आप ऐसी डेक्लेशन नहीं लगा सकते जो एग्जिस्टिंग ट्रीटी की कि किसी सब्सटैटिव प्रोविजन को कोट कर दे या उसको मस्क कर दे या उसकी रूह को ख़त्म कर दे अदरवाइज अगेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग दिस काइंड क्वालिफाइंग नेचर तो जब यह हक दिया गया कि आप ट्रीटी में रेजरवेशन लगा सकते हैं और अटैच उसके साथ अटैच कर सकते हैं क्वालीफाइंग डलेशन तो फिर ये हक भी दिया गया कि जो मुल्क उस पर एतराज करना चाहे किस पस मंजर में वो एतराज़ भी कर सकते हैं तो जब भी आपने कोई ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन करनी है और किसी ट्रिटी को उठाना है तो सबसे पहले आपने टिटी पढ़ने से पहले अगर वह मल्टी लेटरल है और आप किसी मुल्क के हवाले से उस ट्रिटी को समझना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहते हैं विद रेफरेंस टू अदर कंट्री व्हिच इज़ अ पार्टी टू अ नेशनल ट्रिटी द फर्स्ट थिंग दैट लुक एट बिफोर यू इन स्टार्ट रीडिंग द ट्विटी इज़ वेदर दैट कंट्री द अदर कंट्री हैज़ अटैच्ड एनी रिजरवेशन और नॉट दैट कंट्री हैज़ अटैचड एनी डेक्लेन और नॉट वेयर डू फाइंड दिस अब तो वेबसाइट्स पर ही चीज़ें सब अवेलेबल हैं कि आपने ये देखना हो कि किस मुल्क ने कितने मुल्कों ने रेटिफाई की हैं ट्विटीज़ तो तब वो आपके सामने आ जाता है कितने ममालिक ने उसमें अपनी रिजर्वेशन लगाई हैं वो भी सामने आ जाता है मैं आपको इस वक्त जो किताब दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसी हवाले से ही इम्पोर्टेंट है कि ये एक मल्टी लेटरल ट्रीटीज़ का स्टेटस बयान करती है ये पब्लिकेशन है यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस उसको हर साल पब्लिश करता है इसमें ट्रीटीज़ का नाम है और ट्रीटीज़ के नाम के बाद एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में एक लिस्ट बनी होती है और उस लिस्ट में ये लिखा होता है कि कौन से मुल्क ने किस साल रेटिफाई किया है या साइन किया है तो ये मुल्कों के नाम यहाँ दिए जाते हैं और मुल्कों के नाम के बाद एक सिग्नेचर का कॉलम है कि इस साल फलाने फलाने मुल्कों ने इसको साइन किया उससे अगला कॉलम जो है वो रेटिफिकेशन का है और एक्सेशन का है यानी अगर ट्रीटी एंटर इंटू फोर्स कर गई है तो फिर वो एकसे, उसकी एक्सेशन का डेट आ जाएगी अगर एंटर इंटू फोर्स नहीं की है तो रेटिफिकेशन की डेट आ जाएगी सो so, अब इस पब्लिकेशन में आप देखेंगे कि ट्रीटी का उनवान है जितने मुल्कों ने उसको स्पॉन्सर किया उसकी बुनियादी तफसीले हैं और उसके बाद लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन्होंने साइन किया रेटिफाई किया और उसके बाद लिस्ट आ जाती है किस चीज की रेज़र्वेशन्स की और डेकलरेशन्स की सब so, आपने किसी मुल्क के बारे में ये जानना है कि इस मुल्क ने क्या रेज़र्वेशन लगाई तो आप इस डॉक्यूमेंट को उठाते हैं और रेज़र्वेशन का टेक्स्ट पढ़ते हैं और फिर आप देखते हैं कि इस रेज़र्वेशन के टेक्स्ट से आपके और उस मुल्क के درمیان पी की इंटरप्रटेशन पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं अगर पढ़ता है तो उसको भी एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है अगर नहीं पढ़ता तो ये भी जानना कम्फर्टिंग होता है कि नहीं पढ़ता ये जो मेरे सामने ट्विटी है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे कैसे जो हैं वो अपने अपने सियासी मकासद को का तहफ़ फराम करते हैं कानूनी हवाले से हाउ दे ट्राई टू अचीव द पोलिटिकल ऑब्जेक्टि थ्रू लीगल मैकेज़म ना दिस इज़ अ कोवर्न एंड सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ये एक ट्विटी है ये ट्विटी ये कहती है कि तमाम लोगों को आप अपने मुल्क में इंसानी हकूक एंटाइटलमेंट देंगे उसका जो पहला आर्टिकल है वो कहता है एवरी वन हैज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि हक इरादियत का हक ये ट्रीटी सबसे पहले फराम करती है इंडिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया रेटिफाई करते वक्त इंडिया ने इस पर एक रेजर्वेशन अटैच की और रेजर्वेशन ये थी विद रेफरेंस टू आर्टिकल वन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट दर्ड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन Appearing in this article, apply only to the peoples under foreign domination, and these words do not apply to sovereign independent states or to a section of a people or nation, which is the essence of national integrity. perspective application self determination within the state. बल्कि उन लोगों पर है जो स्टेट से बाहर है अब इस डेक्लेन के ऊपर तीन मुल्कों ने इतराज फाइल की ऑब्जेक्शन फॉर्मल ऑब्जेक्शन फाइल की फ्रांस ने जर्मनी ने और नीदरलैंड ने और उन्होंने कहा द गवमेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट्स टू द डेक्लेशन मेड बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल वन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज एन श्राइंड इन द चार्टर ऑफ द यू एन Applies to all peoples and not only to those under foreign domination. It moreover considers that any limitation of their application to all nations is incompatible with the objects and purposes of the covenant. Or this is France. And France, Germany, Netherlands. India is that India's objection is basically that this covenant rules legally incorrect. So, not because they had very special relationship or they had special feeling for any country or against any country, but they had based their objections on purely legal and technical grounds. So, that is how uh, the objections operate because they make an effort to limit, but sometimes they do not make an effort to limit. Pakistan, uh, at the time of this recording, is considering ratification of this covenant, and if it ratifies, we hope that Pakistan will also attach a similar reservation or an objection on the Indian reservation as well. So, that is how interpretation of international law becomes so significant, and that is how knowing the existence of reservations, declarations, their mutual interpretation of a treaty becomes so significant. I trust that based on the discussion, lecture, examples that I have given to you in this lecture. You would now be well equipped to understand treaties better. Because remember, treaties are the soul of international law. They are the instruments on which international law moves on. They are the roller coasters of international law in one sense. So, their understanding can be very critical. And if you approach them technically, you will be able to find much more creative meanings within a treaty, much more useful meanings that will be of advantage to the work that you are doing and perhaps. To the cause that you are feeding. Thank you very much.